टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं टेक डिजिटल। दोस्तों, यदि आप फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक मैसेज इन दिनों में ज़रूर मिला होगा कि 7778889999 से आने वाली कॉल को आप नहीं उठाइए, अन्यथा आपके फ़ोन में आग लग सकती है, आपका फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है और आप मर भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर इस प्रकार के फर्जी वायरल मैसेज वायरल हो जाना कोई नई बात नहीं है। इन दिनों वायरल हो रहे एक ताज़ा मैसेज के बारे में कहा जाता है कि इस नंबर से आने वाली कॉल को उठाने पर फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन क्या यह सच है? तो आइए इस मैसेज के बारे में आपको बताते हैं। आपको लग सकता है कि यह मैसेज सच है, लेकिन बता दें कि यह मैसेज पूरी तरह से काल्पनिक और झूठा है। कई सारे लोगों को लग रहा है कि 7778889999 नंबर एक ऐसा नंबर है जो फ़ोन उठाने पर फ़ोन को ब्लास्ट कर सकता है। कई लोग इस मैसेज को फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि लोगों को इस नंबर से आने वाली कॉल को ना उठाने के लिए चेतावनी दे सकें। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर इस तरह के फर्जी मैसेज वायरल हो चुके हैं। एक मैसेज में लिखा है, अर्जेंट, कृपया 7778889999 मोबाइल नंबर से आने वाली कोई भी कॉल रिसीव ना करें, कॉल उठाने पर आपके मोबाइल में ब्लास्ट हो जाएगा, कृपया अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। और दोस्तों, यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। एक दूसरे मैसेज के मुताबिक एक महिला कॉल उठाने वाले से बात करेगी और बताएगी कि यह उसकी आखिरी कॉल है, कृपया इस मैसेज को और नज़रअंदाज ना करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को भेजें। तो दोस्तों, यह मैसेज भी पूरी तरह से फर्जी है। अब आपको बताते हैं कि 7778889999 वाला यह मैसेज फर्जी नंबर क्यों है और यह मैसेज फर्जी क्यों है। दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजह है, जिसकी वजह से यह साफ जाहिर होता है कि यह डेथ नंबर फर्जी है। पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि 7778889999 से आने वाली कॉल से किसी फ़ोन में ब्लास्ट हो जाए और आप मर जाए। दूसरी बात कि यह एक 9 डिजिट का नंबर है जो भारत में काम नहीं करता है, और अगर यह एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर है भी तो इसके साथ किसी देश का कोड नहीं है। आखिरी बात यह है कि अभी तक इससे जुड़ा किसी तरह का कोई केस सामने नहीं आया है जिसके कोई दस्तावेज हो। इससे पहले भी कई फर्जी मैसेज सामने आ चुके हैं जो बिना किसी सबूत के ही वायरल हो चुके हैं। यह कुछ असामाजिक तत्वों की शरारत है जो इस प्रकार के मैसेजेस को वायरल कर रहे हैं। तो हमारे इस चैनल पर आने वाले दर्शकों को सलाह है कि इस तरह के मैसेज को शेयर ना करें, जिससे वह किसी तरह की परेशानी पैदा हो सके उसमें अपना सहयोग ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार के मैसेज पूरी तरह से फर्जी हैं, जिनका इस प्रकार की बातों से कोई लेना देना नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है, कृपया इस प्रकार के मैसेजेस को ना पढ़ें, ना शेयर करें। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।